हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कष्ट करें। आज का जो टॉपिक है माइंड सेट 952 सेक्शन नंबर 1 से लेके 88 तक पूरे बुक का एमसीक्यू तैयार किया गया है और माइनिंग सरदार ओवरमैन के एग्जाम में जो भी माइंड सेट 952 से क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरे एंड तक जरूर देखें। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका माइंस एक्ट 1952 कब लागू होगा, इसका आंसर 1 जुलाई 1952 को। क्वेश्चन नंबर 3 है माइंस एक्ट 1952 से पहले भारत की खानों पर कौन सा एक्ट लागू था, इसका आंसर है माइंस एक्ट 1923। क्वेश्चन नंबर 4 है माइंस एक्ट 1952 में टोटल कितने सेक्शन है, इसके आंसर 88। क्वेश्चन नंबर 5 है माइंस एक्ट 1952 में टू कहाँ कहाँ लागू होता है, इसका आंसर है ओवरऑल इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 है एडल्ट का क्या मतलब होता है, इसका आंसर है 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है एजेंट क्या क्या काम करता है, इसका आंसर है मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है माइंड सेट के अनुसार सप्ताह का क्या अर्थ है, इसका आंसर 7 दिन का समय। क्वेश्चन नंबर 9 है यदि माइंड में एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी बॉडी के किसी पार्ट का लॉस हो जाना, हाथ टूटना, पैर टूटना, अंधा हो जाना, उस एक्सीडेंट को कहा जाता है, इसका आंसर है सीरियस बॉडी इंजरी। क्वेश्चन नंबर 10 है माइंड सेट कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है, इसका आंसर है डी, ए सभी। खुदाई 6 मीटर से कम हो, कोल के क्षेत्र में खुदाई 15 मीटर से कम हो, जहाँ एक दिन में 20 से कम लोग काम करते हैं, तो इन जगह माइंड सेट लागू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि किसी जगह पर 50 व्यक्ति या उससे ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं, काम पर लगाए जाते हैं, उस जगह एक्सप्लोसिव यूज में लाया जाता है, वहाँ माइंड सेट लागू होगा या नहीं, इसका आंसर है यस होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि किसी जगह पर खुदाई 6 मीटर या उससे कम होती है तो उस जगह पर माइंड सेट लागू होगा या नहीं, इसका आंसर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है दिन के समय का हवाला, दिन का टाइम कब स्टार्ट होता है, इसका आंसर है ग्रीनविच टाइम, 5 PM से आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है चीफ इंस्पेक्टर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है इंस्पेक्टर ऑफ माइंस किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है चीफ इंस्पेक्टर अपनी शक्तियों निर्वहन किस दंड संहिता के अनुसार करते हैं, इसका आंसर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। क्वेश्चन नंबर 17 है चीफ इंस्पेक्टर माइंस में जाने से कितने समय दिन पहले मैनेजर को सूचित करेगा, इसका आंसर है 3 दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 18 है कमेटी माइंस के किस सेक्शन के अधीन बनाई जाती है, इसका आंसर सेक्शन 12। क्वेश्चन नंबर 19 है कमेटी में कुल कितने सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसका आंसर है 8। क्वेश्चन नंबर 20 है कमेटी का चेयरमैन किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसका आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है माइंस एक्ट 952 के अधीन बनाए जाने वाली कमेटी का गठन किसके द्वारा किया जाता है, इसका आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कमेटी का खर्चा कौन वहन करेगा, इसका आंसर है मैनेजर, ओनर, एजेंट। क्वेश्चन नंबर 23 है खान चालू होने से पहले ओनर, एजेंट, मैनेजर किसे नोटिस देगा, इसका आंसर है चीफ इंस्पेक्टर, IBM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 24 है माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट होने से कितने दिन पहले मैनेजर, ओनर, एजेंट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नोटिस देगा, इसका आंसर 30 दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 25 है क्या ओनर, एजेंट जिसके पास मैनेजर की योग्यता हो वो अपने आप को स्वयं मैनेजर नियुक्त कर सकता है, इसका आंसर जी हाँ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी धोने की जगह मूत्रालय शौचालय से कितनी दूरी पर होना चाहिए, इसका आंसर है 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 27 है माइंस में नियोजित कितने व्यक्तियों के ऊपर ठंडे पानी की व्यवस्था की जाएगी, इसका आंसर है 100 व्यक्तियों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28 है माइन खान में काम करने वाले कितने व्यक्तियों पर एक मूत्रालय शौचालय बनाया जाएगा, इसका आंसर है 50 लोगों पर।
क्वेश्चन नंबर 29 है, माइंस में नियोजित कितने पर्सन लोगों के ऊपर फर्स्ट एड रूम बनाया जाएगा। इसका आंसर 150 लोगों पे। ये भी WCL के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, माइंस में किसी जगह इंजन हाउस वर्कमैन डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों के काम करने पर एक फर्स्ट एड स्टेशन बनाया जाता है। इसका आंसर 50। माइंस में किसी जगह पर इंजन हाउस वर्कमैन डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों के काम करने पर एक फर्स्ट एड स्टेशन बनाया जाता है। इसका आंसर 50 लोगों पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि माइंस में एक्सीडेंट हो जाता है तो मैनेजर, ओनर, एजेंट उस एक्सीडेंट का नोटिस कितने दिनों तक नोटिस बोर्ड पर लगाकर रखेगा। इसका आंसर है 14 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 32 है, जब किसी माइंस में या उसके आसपास रिपोर्टेबल एक्सीडेंट हो जाए तो माइंस का मैनेजर, ओनर, एजेंट उस एक्सीडेंट का रिकॉर्ड कम से कम कितने दिनों के अंदर चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजेगा। इसका आंसर है 3 महीने। क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि माइंस में होने वाला एक्सीडेंट के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अथॉरिटी नोटिस मिलने के कितने दिनों के अंदर उसकी जांच करेगी। इसका आंसर है 2 मंथ। क्वेश्चन नंबर 34 है, माइंस में होने वाले एक्सीडेंट रिकॉर्ड मैनेजर, ओनर, एजेंट उस वर्ष के संबंध अगले वर्ष किस डेट तक चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को देगा। इसका आंसर है 20 जनवरी या उससे पहले। क्वेश्चन नंबर 35 है, माइंस में एक्सीडेंट की जगह चीफ इंस्पेक्टर कितने समय तक निरीक्षण न करे तो उस जगह पर दोबारा काम शुरू किया जा सकता है। इसका आंसर 72 घंटे। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस मामलों में दुर्घटना की हस्तक्षेप नहीं की जाएगी। इसका आंसर है फटलेंस सीरियस इन एक्सीडेंट बॉथ। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक्सीडेंट के मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नियुक्ति की सरकार की शक्ति किस सेक्शन से में बनाई गई है। इसका आंसर सेक्शन 24, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेक्शन 24। क्वेश्चन नंबर 38 है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किसके द्वारा किया जाता है। इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट किसके सामने प्रकाशित करता है। इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट के। क्वेश्चन नंबर 40 है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का खर्चा कौन निर्वहन करता है। इसका आंसर है माइंस ओनर। क्वेश्चन नंबर 41 है, वीकली डे ऑफ रेस्ट मीन्स वन डे रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, माइंस एक्ट के अनुसार सरफेस में एक व्यक्ति से एक दिन में मैक्सिमम कितने घंटे काम लिया जा सकता है। इसका आंसर 9 घंटे। क्वेश्चन नंबर 43 है, माइंस एक्ट 1952 के अनुसार सरफेस में काम करने वाले व्यक्ति से 1 वीक सप्ताह में कितने घंटे काम लिया जा सकता है। इसका आंसर 48 घंटे। क्वेश्चन नंबर 44 है, इमरजेंसी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति से सरफेस में मैक्सिमम कितने घंटे काम लिया जा सकता है। इसका आंसर है 12 घंटे। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि कोई व्यक्ति खान माइंस में पिछले 12 घंटे से काम कर रहा है तो उसकी दूसरी शिफ्ट में काम लिया जा सकता है या नहीं। इसका आंसर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी भी व्यक्ति को लगातार कितने घंटे काम के बाद 30 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा। इसका आंसर है 5 घंटे के बाद 30 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, माइंस एक्ट 1952 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अंडरग्राउंड माइंस में एक दिन कितने घंटे काम कर सकता है। इसका आंसर 8 घंटे। क्वेश्चन नंबर 48 है, माइंस एक्ट 1952 के अनुसार किसी व्यक्ति से अंडरग्राउंड माइंस में एक सप्ताह में कितने घंटे से अधिक काम लिया जा सकता है। इसका आंसर है 48 घंटे। क्वेश्चन नंबर 48 है, माइंस एक्ट 1952 के अनुसार किसी भी व्यक्ति से अंडरग्राउंड माइंस में एक सप्ताह में कितने घंटे से अधिक काम लिया जा सकता है। इसका आंसर 48 घंटे। क्वेश्चन नंबर 49 है, नाइट शिफ्ट के बाद दूसरी शिफ्ट स्टार्ट शुरू होने के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए। इसका आंसर है 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 50 है, ओवर टाइम के दौरान व्यक्ति को कितनी
मजदूरी दी जाएगी। इसका आंसर है दैनिक औसत प्लस दो गुना। क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि कोई व्यक्ति खान माइंस में पिछले 12 घंटे से काम कर रहा है दूसरी तो उसकी दूसरी शिफ्ट में काम में लगाया जा सकता है। इसका आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 है, ओवर टाइम सहित व्यक्ति से मैक्सिमम कितने घंटे तक काम लिया जा सकता है। इसका आंसर 10 घंटे। क्वेश्चन नंबर 53 है, ओवर टाइम की गणना किस प्रकार की जाती है यदि व्यक्ति, इसका आंसर है वर्किंग टाइम से 30 मिनट से ज़्यादा काम करे। क्वेश्चन नंबर 54 है, माइंस का मैनेजर माइंस में काम स्टार्ट होने से कितने दिन पहले नोटिस बोर्ड पर वर्क का नोटिस लगाएगा। इसका आंसर 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि माइंस में विश्राम के टाइम कोई परिवर्तन होता है तो मैनेजर इसका नोटिस बोर्ड पर कितने दिन पहले लगाएगा। इसका आंसर 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 56 है, माइंस में 18 वर्ष से कम वायु आयु के व्यक्तियों की मौजूदगी की मनाही किस सेक्शन में दिया गया है। इसका आंसर है सेक्शन 45। क्वेश्चन नंबर 57 है, माइंस एक्ट 1952 के अनुसार महिलाओं के काम करने का समय क्या है। इसका आंसर है 6 to 7 PM। क्वेश्चन नंबर 58 है, माइंस एक्ट 1952 के अनुसार महिलाओं को टाइम पर काम पर नहीं लगाया जा सकता है। इसका आंसर है 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक महिलाओं को काम पर नहीं लगाया जा सकता है। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 59 है, वोमेन की फर्स्ट शिफ्ट खत्म होने में दूसरी शिफ्ट शुरू होने के बीच कितना अंतर होना चाहिए। इसका आंसर है 11 घंटे। क्वेश्चन नंबर 60 है, माइंस में नियोजित व्यक्तियों का अटेंडेंस रिकॉर्ड हाजिरी रजिस्टर किस फॉर्म में रखा जाएगा। इसका आंसर फॉर्म डी में। क्वेश्चन नंबर 61 है, अंडरग्राउंड माइंस में काम करने वाले व्यक्तियों को कितने दिन काम करने पर एक दिन की छुट्टी दी जाएगी। इसका आंसर है 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 62 है, सरफेस में काम करने वाले व्यक्तियों को कितने दिन काम करने पर एक दिन की छुट्टी दी जाएगी। इसका आंसर है 20 दिन। क्वेश्चन नंबर 63 है, माइंस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सेवा कैलेंडर ईयर में कितने दिन काम करने पर मना की जाएगी। इसका आंसर है मानी जाएगी। इसका आंसर है अंडरग्राउंड माइंस 190 दिन और सरफेस पर 240 दिन। क्वेश्चन नंबर 64 है, माइंस में नियोजित व्यक्ति लीज छुट्टी लेने से कितने दिन पहले मैनेजर को खबर करेगा। इसका आंसर है 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 65 है, माइंस में नियोजित व्यक्ति कैलेंडर ईयर में कितने बार छुट्टी ले सकता है। इसका आंसर है 3 बार। क्वेश्चन नंबर 66 है, माइंस में नियोजित व्यक्ति की नौकरी रहते मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति को छुट्टी का भुगतान कितने दिनों के अंदर किया जाएगा। इसका आंसर है 2 महीने। क्वेश्चन नंबर 67 है, छुट्टी के समय की मजदूरी का भुगतान कब किया जाता है। इसका आंसर 1 महीने पहले। छुट्टी का भुगतान कब किया जाता है। इसका आंसर छुट्टी से पहले। क्वेश्चन नंबर 69 है, माइंस में काम करने वाले व्यक्ति को एडवांस भुगतान कब किया जाएगा। इसका आंसर है जब उस व्यक्ति ने 4 दिन या उससे कम दिन की लीव छुट्टी ली हो तब। क्वेश्चन नंबर 70 है, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 माइंस एक्ट किस सेक्शन के द्वारा बनाया जाता है। इसका आंसर सेक्शन 57। क्वेश्चन नंबर 71 है, यदि सरफेस के ऊपर रेलवे लाइन वेल्डिंग सरफेस स्ट्रक्चर है तो उस जगह पर कितने मीटर का पिलर छोड़ा जाएगा। इसका आंसर 45 मीटर। क्वेश्चन नंबर 72 है, इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट किस सन में बनाया गया था। इसका आंसर 1884 में। क्वेश्चन नंबर 73 है, रेलवे एक्ट कब बनाया गया था। इसका आंसर है 1890 में। रेलवे एक्ट कब बनाया गया था, 1890 में। क्वेश्चन नंबर 74 है, कोल माइंस रूल 1955 माइंस एक्ट सेक्शन के अनुसार बनाया जाता है। इसका आंसर सेक्शन 58 कोल माइंस रूल। क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि किसी माइंस में महिला नियोजित है तो महिला के किस उम्र के बीच बच्चे के लिए शिशु गृह बनाया जाएगा। इसका आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 76 है, माइंस में नियोजित कितने व्यक्तियों के ऊपर एक शेल्टर बनाया जाएगा। इसका आंसर है 50। क्वेश्चन नंबर 77 है, माइंस में काम करने वाले कितने लोगों पर कैंटीन बनाई जाएगी। इसका आंसर है 250
या उससे अधिक। क्वेश्चन नंबर 78 है, माइंस में काम करने वाले कितने लोगों के ऊपर एक वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा, इसका आंसर 500। क्वेश्चन नंबर 79 है, यदि किसी माइंस में 1000 लोग काम करते हैं तो उस माइंस में कितनी कैंटीन बनाई जाएगी, इसका आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 80 है, बाई लॉ माइंस एक्ट किस धारा के अंतर्गत बनाया जाता है, इसका आंसर सेक्शन 61। क्वेश्चन नंबर 81 है, बाई लॉ का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, इसका आंसर ओनर एजेंट मैनेजर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82 है, बाई लॉ किस बारे में जानकारी देता है, इसका आंसर मशीन ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 83 है, माइंस में बाई लॉ बनाने के बाद मैनेजर उसे अप्रूवल के लिए किसके पास भेजता है, इसका आंसर चीफ इंस्पेक्टर या माइंस इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि कोई व्यक्ति झूठा सर्टिफिकेट लाकर दूसरे का सर्टिफिकेट काम में लाता है तो उसके लिए किस प्रकार की सजा का प्रावधान है, इसका आंसर है 1 महीने की जेल प्लस 200 रुपये जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 85 है, यदि कोई सर्वेयर या व्यक्ति बिना किसी कारण के प्लान सेक्शन रजिस्टर रिकॉर्ड में चूक करता है तो उस व्यक्ति को कितना जुर्माना देना होगा, इसका आंसर 1000। क्वेश्चन नंबर 86 है, श्रमिकों के नियोजन संबंधित कानून का उल्लंघन करने पर किस प्रकार की सजा का प्रावधान है, इसका आंसर 3 महीने की सजा प्लस 1000 रुपये जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 87 है, यदि माइंस मैनेजर 18 वर्ष से कम व्यक्ति को माइंस में काम करने की परमिशन देता है तो माइंस मैनेजर ओनर एजेंट पर कितना जुर्माना लगेगा, इसका आंसर है 500। क्वेश्चन नंबर 88 है, यदि किसी माइंस में मैनेजर नियुक्त नहीं किया जाता है तो उस माइंस के ओनर एजेंट को कितना सजा हो सकता है, इसका आंसर 3 महीने की सजा प्लस 25000 रुपये जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 89 है, माइंस एक्ट के अधीन यदि माइंस मैनेजर एक्सीडेंट का नोटिस 14 दिन तक नोटिस बोर्ड पर नहीं लगाता है तो उस माइंस के मैनेजर पर कितनी सजा का प्रावधान है, इसका आंसर 3 महीने की सजा प्लस 500 रुपये जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सीडेंट का रिकॉर्ड रजिस्टर नहीं रखने पर मैनेजर ओनर एजेंट को कितना सजा हो सकता है, इसका आंसर है 3 महीने की सजा प्लस 500 रुपये जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 91 है, मैनेजर ओनर एजेंट यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है तो उसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर को कितने दिन के अंदर दी जाएगी, इसका आंसर 21 दिन। क्वेश्चन नंबर 92 है, सेक्शन 22 का या सेक्शन 22A का उल्लंघन करने पर उसके ऊपर कितनी सजा का प्रावधान है, इसका आंसर 2 साल का जेल प्लस 5000 रुपये जुर्माना। सेक्शन 22 का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसका क्या सजा होगा, 2 साल का जेल प्लस 5000 रुपये जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 93 है, कानून का उल्लंघन करने पर उसके द्वारा यदि किसी व्यक्ति को माइंस एक्सीडेंट चोट लगती है तो उस व्यक्ति पर किस प्रकार की सजा हो सकती है, इसका आंसर है 3 महीने की सजा प्लस 1000 रुपये जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 94 है, कानून का उल्लंघन करने पर यदि किसी व्यक्ति को घातक चोट सीरियस बॉडी इंजरी होती है तो उस व्यक्ति पर कितना सजा का प्रावधान है, इसका आंसर 1 वर्ष का जेल प्लस 3000 रुपये जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 95 है, कानून का उल्लंघन करने पर यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसे क्या सजा होगी, इसका आंसर 2 साल का जेल प्लस 5000 रुपये जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 96 है, माइंस एक्ट 1952 में लिखे कानून या इसके अतिरिक्त कानून का उल्लंघन करने पर उस व्यक्ति पर कितनी सजा का प्रावधान होगा, इसका आंसर है 3 महीने का जेल और 1000 रुपये जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 97 है, यदि कोई व्यक्ति 2 वर्ष के भीतर हुई जुर्माना 2 वर्ष के भीतर वही जुर्म करता है तो दोष सिद्ध होने के बाद उसे कितना जुर्माना देना होगा, इसका आंसर है पहले दंड का 2 गुना। क्वेश्चन नंबर 98 है, यदि ओनर एजेंट मैनेजर किसी अपराध में शामिल पाया जाता है तो और अगर उसे लगता है कि वह इस अपराध में शामिल नहीं है तो वह किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कितने दिन के भीतर कार्रवाई कर सकता है, इसका आंसर 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 99 है, यदि मैनेजर ओनर एजेंट किसी अपराध में अपराधी पाए जाते हैं तो न्यायालय कोर्ट उसे कितनी सजा देगा,
इसका आंसर है 6 महीने जेल प्लस डेली 1000 रुपये जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 100 है 100। माइंस रेगुलेशन रूल किसके द्वारा बनाया जाता है? इसका आंसर है पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 101 है 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति की पीएमई जांच प्रत्येक कितने वर्ष में होना चाहिए? इसका आंसर है 3 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 102 है 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की। क्वेश्चन नंबर 103 है आपका HEMM ऑपरेटर की दृष्टि जांच प्रत्येक कितने वर्षों में होना जरूरी है? इसका आंसर है 1 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 104 है रिट्रीटमेंट से कितने वर्ष पूर्व व्यक्ति की पीएमई जांच होना चाहिए? इसका आंसर है 1 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 105 है आपका एस्ट्रोस्ट तथा माइनिंग के कार्य में लगे व्यक्ति की पीएमई जांच कितने वर्ष में के अंतराल में होना चाहिए? इसका आंसर है 1 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 106 है वर्कमैन इंस्पेक्टर किस क्षेत्र में बनाए जाते हैं? वर्कमैन इंस्पेक्टर किन किन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं? इसका आंसर है माइनिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। क्वेश्चन नंबर 107 है वर्कमैन इंस्पेक्टर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर है 3 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 108 है वर्कमैन इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट किस फॉर्म में लिखता है? इसका आंसर है फॉर्म यू में। क्वेश्चन नंबर 109 है वर्कमैन इंस्पेक्टर द्वारा लिखित रिपोर्ट पर कार्यवाही कितने दिनों के भीतर की जानी चाहिए? इसका आंसर है 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 110 है मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस वर्कमैन इंस्पेक्टर कितने लोगों पर नियुक्त किए जाते हैं? इसका आंसर है 100 लोगों पर। क्वेश्चन नंबर 111 है वर्कमैन इंस्पेक्टर को कम से कम कितने वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए? इसका आंसर है 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 112 है वर्कमैन इंस्पेक्टर जिस माइंस के लिए नियुक्त किए जाते हैं जिन्हें उस माइंस का कितने वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 2 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 113 है यदि किसी माइंस में 3000 व्यक्ति नियोजित हैं तो उस माइंस में वर्कमैन इंस्पेक्टर की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 114 है वर्कमैन इंस्पेक्टर अपना इंस्पेक्टर का कार्य वीक में कितने दिन करेगा? इसका आंसर है 2 दिन। क्वेश्चन नंबर 115 है माइंस में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितने लीटर पानी पीने की व्यवस्था की जाएगी? इसका आंसर 2 लीटर। क्वेश्चन नंबर 116 है माइंस में पीने का पानी धोने की जगह मूत्रालय शौचालय से कितनी दूरी पर होना चाहिए? इसका आंसर है 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 117 है सरफेस और ओपन कास्ट माइंस में काम करने वाले कितने व्यक्तियों पर ठंडे पानी की व्यवस्था की जाएगी? इसका आंसर है 100 लोगों पे। क्वेश्चन नंबर 118 है ओपन कास्ट माइंस काम करने वाले कितने लोगों के ऊपर एक शेल्टर होम की व्यवस्था की जाएगी? इसका आंसर है 25। क्वेश्चन नंबर 119 है शेल्टर होम की छत यदि समतल है तो छत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 2.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 120 है माइंस में नियोजित कितने लोगों के ऊपर एक शेल्टर बनाया जाएगा? इसका आंसर है 50 लोगों पे। क्वेश्चन नंबर 121 है माइंस में काम करने वाले प्रत्येक लोगों के ऊपर फर्स्ट एड बॉक्स रखा जाएगा? इसका आंसर 150 लोगों पे। क्वेश्चन नंबर 122 है प्रत्येक खदान में एक फर्स्ट एड स्टेशन कितने व्यक्तियों पर बनाया जाएगा? इसका आंसर 50। क्वेश्चन नंबर 123 है प्रत्येक खान में काम करने वाले कितने लोगों के ऊपर एक सेफ्टी कमेटी बनाई जाती है? इसका आंसर 100 लोगों पे। क्वेश्चन नंबर 124 है सेफ्टी कमेटी में कितने लोग होते हैं? इसका आंसर है 13 लोग। क्वेश्चन नंबर 125 है सेफ्टी कमेटी में सदस्यों की मीटिंग प्रत्येक कितने दिनों के अंतराल में की जाती है? इसका आंसर है 30। क्वेश्चन नंबर 126 है सेफ्टी कमेटी की सिफारिशों को कब लागू किया जाता है? इसका आंसर है 15 दिनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 127 है सेफ्टी कमेटी का कार्यकाल कितने समय का होता है? इसका आंसर 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 128 है माइंस में जब दूषित हवा फैली हो तब फर्स्ट फ्रेश एयर बेस बनाया जाता है माइंस सरफेस पर? क्वेश्चन नंबर 129 है माइंस रेस्क्यू रूल्स फॉर्मेट 1985। क्वेश्चन नंबर 130 है माइंस रेस्क्यू रूल 1985 के अनुसार खान में कितने ट्रेसिंग प्लान बनाया जाएगा? इसका आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 131 है माइंस रेस्क्यू प्लान कितने दिनों में अपडेट किया जाता है? इसका आंसर 3 महीने में। क्वेश्चन नंबर 132 है रेस्क्यू ट्रेन पर्सन की उम्र कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर 21 से 30 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 133 है, माइंस में कितने किलोमीटर के दायरे में रेस्क्यू स्टेशन होना चाहिए? इसका आंसर 35 किलोमीटर के। क्वेश्चन नंबर 134 है, अंडरग्राउंड माइंस में काम करने वाले कितने लोगों के ऊपर रेस्क्यू ट्रेन पंसर रखे जाएंगे? इसका आंसर 100। क्वेश्चन नंबर 135 है, अंडरग्राउंड माइंस में कम से कम कितने रेस्क्यू 10% रखे जाएंगे? इसका आंसर 5।